नए साल के लिए पैगाम आपसे ज़रूर लूंगा। आने वाले साल के लिए क्या अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से तो आप रोज़ाना गुफ्तगू करते हैं, बस पैगाम क्या मैं देंगे? पैगाम अपनी फील्ड से रिलेटेड ही दूंगा कि देखें, अगर आप खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को, जब उनकी बात को, अहकामात को फॉलो करते हैं, तो ना सिर्फ आप सेहत के हवाले से बीमारियों से बचते हैं, बल्कि आप जो है वो अपनी जिस्मानी बीमारी, माशी मामलात, जहनी मामलात, रूहानी मामलात भी बेहतर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि दुरूद शरीफ की कसरत करें, बहुत अच्छी बात इसमें एक बहुत बड़ी रूहानियत है। छोटा सा दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वही बड़े वाले की है, बिल्कुल ठीक है, मगर अल्फाज का में ज़बर ज़ेर की पेश की गलती होने से बच जाते हैं। बिल्कुल और ये हर मर्ज़ की दवा है, बहुत खूब सल्ले अला मोहम्मद, बहुत खूब तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद, मोहम्मद, वाह नज़र मुस्तफ़ा दी, दवा भी शिफा भी। क्या तो अब कहते जब हैं, हम इसको फॉलो कर लेते हैं ना, तो यकीन करें मौजज़ात आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। रूहानी जिस्मानी। फिर हमारे पीरो मुर्शिद हैं, बुजुर्ग हैं मुल्तान में, शेख हाफिज़ अमीन बिन अब्दुलरहमान। तो जो लोग मुल्तान में हैं, अतराफ़ में, जब भी मुल्तान जाए तो वहाँ शेख साहब से मुलाकात ज़रूर करें। बहुत खूब, चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने कीमती वक्त दिया और इस जो साल है उसके आखिरी प्रोग्राम में भी आपने शिरकत की, बड़ी काम के और मुफीद मशवरे आपने देखने वालों को दिए, और इसी तरह अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे कि आप लोगों की रहनुमाई फरमाएं, और ये खास तौर पे जो सेहत के हवाले से मामला हैं इसके ऊपर जो है वो लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहें। जनाब अब इजाज़त लेने का वक्त है, और कोशिश यही रही कि आज के प्रोग्राम में ज़रा मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाए। सेहत के हवाले से हमने तरजीह बुनियादों पे कोशिश होती है कि बात करें, प्रोग्राम्स करें, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहता है, ख़ास तौर पे गुड मॉर्निंग कराची जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है वो आपकी सेहत के हवाले से हमने रखा है, और इसमें कोशिश करते हैं कि लोगों को भी मौका दिया जाए, बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकें, अपनी बात कर सकें, अपनी सेहत के हवाले से जो मसाले हैं वो डिस्कस कर सकें। तो इंशाल्लाह आगे अगर ज़िंदगी ने वफा की, आने वाले सालों में अगर मौका मिला, तो इसी तरह ये प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। आपके पैगाम से बड़ी रहनुमाई मिलती है, इससे बड़ी तकवीत भी मिलती है, और हिम्मत भी आती है कि हम इसी तरह सिलसिला जारी रखें और मज़ीद अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। तो साल नौ की पेश की मुबारकबाद, और इंशाल्लाह अगले साल फिर इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को, K21 न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।